नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हैं आप जलमाना गांव की, और बता दें जलमाना गांव के बिल्कुल मेन हाईवे पर इस समय हम खड़े हैं, जहां पर देख सकते हैं लोगों ने यहां पर जाम जरूर लगाया हुआ है। और बता दें तो किस को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बड़ा ही भयंकर हादसा हुआ कल रात को लगभग 9:30 बजे जलमाना गांव में, जिसके अंदर साहब सिंह नाम के एक व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष थी, और साथ साथ बता दें तो जो है एक महिला साथ में जा रही थी, और साथ में उनकी बेटी, जो महिला है बता रहे हैं वो इस समय, और उनकी बेटी जो है अस्पताल में काफ़ी गंभीर अवस्था के अंदर एडमिट है, और साहब सिंह जो है उनकी मौके पर मौत हो गई थी। और बता दें तो तेज़ रफ्तार ऑडी कार की जो है किस तरीके से उनको टक्कर मारती है, और उसके बाद जो है तीनों जो लोग हैं मौके के ऊपर ही बड़ी गंभीर अवस्था में घायल होते हैं। और जो साहब सिंह है बता दें तो उनके काफ़ी सारे जो टुकड़े हैं वो टूटते हुए बता दें गाड़ी के ऊपर नीचे और दाएं बाएं, और आधी बॉडी का हिस्सा गाड़ी के नीचे जा चुका था। और बता दें जो जो महिला है उनकी जो टांग थी वो दूर जाकर खेतों में गिरती है, जिसके बाद गांव के लोग यहां पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोग यहां पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है, गुस्से में है कि आखिर इतने बड़ा हादसा होने के बाद आखिर वो दो लोग कहाँ हैं जो ऑडी कार के अंदर बैठे हुए थे, और इतनी तेज़ रफ्तार पर चलने वाली काले रंग की ऑडी कार आखिर किस तरीके से लोग जो हैं गाड़ियों को हवाई जहाज की तरह उड़ाते हैं। बता रहे हैं 150 की रफ्तार पर वो कार चल रही थी, जब टक्कर हुई तो बता दें इतनी भयंकर टक्कर थी कि अगर गाड़ी के हालात हम आपको दिखाएं तो गाड़ी के हालात देखकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ऑडी कार अपने आप में बता दें तो काफ़ी महंगी गाड़ी होती है, लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास की उसकी कीमत भी होती है, तो ऐसे में काफ़ी मजबूत थी, लेकिन गाड़ी के हालात देखकर ये यकीन नहीं होगा कि किसी व्यक्ति से टकराने के बाद गाड़ी जो है वो टूटी है। और बता दें तो पूरी छत टूट चुकी थी गाड़ी की, फ्रंट टूट चुका था। कुछ लोग यहाँ पर मौके पर हैं जी, अभी गांव से ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, गांव से। यहाँ पर अभी जाम लगाया है। हाँ जी, जाम लगाया वेला साडे निकल निकल बच्चे ने नहीं हवा ना गड्डियां चलांदे ने, बच्चों नु कई ना कई बड़ा साडे बच्चे नुकसान होया, सबूत बच्चा परिवार समेत मार दिता, हुण किन्ने बच्चे मारे ने, पहला भी 5-6 महीने साडे बच्चे अड्डे ते मारे, उहनां दा साडा कुछ नहीं बणिया, ते साडा हुण वी वेला कोई नहीं बणांदा पए, असि अपना हिसाब लै के छड्डा दे। लोग गाड़ी के अंदर थे, उनका क्या अभी तक हुआ है, क्या बता रहे हैं लोग? कुछ नहीं आंदा, कुछ भी नहीं कर, दारू पी रखा से उहनां, 200 किलोमीटर ते चलती सी गड्डी, इन्नी हवा दे विच आउंदी सी। हां जी, रात दा समां है, बच्चे अपने कच्चे अपनी साइड ते जा रहे सन, इसी हाईवे पर हुआ था। हां जी, हां जी, आ पेट्रोल पंप कोल, पेट्रोल पंप के पास। हां जी, हां जी, ओसे होया सी, ओदे पिछे दे बिल्कुल कच्चे दे नीचे अपनी साइड पे आ रहे सन, पिछो मारी गड्डी और ठा गए, दो तीन किलो बता रहे हैं साहब सिंह। साहब सिंह जो है उनके टुकड़े मिले हैं वहां से, टुकड़े टुकड़े बिल्कुल टुकड़े, फीता 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 बच्चे का, कुछ नहीं बचा। देख लो, नाल पिछली की टांग कटी गई है, भतीजी की टांग टूट गई है, दो एक गिट्टा टूटा है, दूसरा पैर, दोनों महिला की टांग अलग हो गई। हाँ, माँ की टांग अलग हो गई, चाचा का पीस पीस खिंड गया, वो गाड़ी खड़ी, उसके अभी भी ऊपर टुकड़े पड़े हैं उसके ऊपर गाड़ी के। क्यों जी जाके लपड़ी टांग दूर जाके टो गए पुलिस वाले, आप बच्ची की हफ्ता हो गया है वीजा है को बच्ची को इंग्लैंड को है, ये है ड्राइवर ये करता है तूड़ी तूड़े वाले ट्रक पे, 4000 रुपए ट्राली पे, ये घर में 3-4 पशु पालता था भाई मारा, इसके बाद गल के बच्चे कुछ नहीं रह गया, बल्ले करके कुछ नहीं रह गया, ये माँ को तिरंग हो रहा है, हफ्ता हो गया माँ को तिरंग हो रहा है। आप देख सकते हैं, बता दे तो खेती बाड़ी कर ही जो है वो परिवार चला रहे थे, और साथ साथ बता दे तो पीछे की ओर भी बता दे, हम आपको तस्वीरें तो ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक बॉक्स हल्का सा मैं आपको जरूर जो है हल्का सा मैं झलक उसकी जरूर दिखा सकता हूँ, वो सामने उनका जो कई भागों के अंदर जो उनकी बॉडी है उसके पार्ट्स अंदर रखे हुए हैं, और यहीं पर लोगों ने जाम लगाया है कि कार्रवाई नहीं हो रही। सर कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं अभी? कार्रवाई कल की कार्रवाई नहीं, 24 घंटे होने हो गया जी, अब तक कोई कार्रवाई हो ही नहीं, पुलिस वाले कर नहीं रहे। वो दो लोग कहाँ हैं जो ओडी के अंदर थे? पता नहीं, वो फरार हैं जी, बता रहे हैं उस समय भाग गए थे, और उससे थोड़ी बहुत चोट आई, इन्होंने भगाए हुए हैं जी, गाड़ी ले गई हमको 10 मिनट बाद यहां से लेके गई है, पंप पे पीछे कॉलोनी है, किनको लेकर गई है? जॉन के लड़के ने, फिर उन्होंने पीछे से क्या किया है, नाम आशीष रोड लिखा था, रोड को मिटा के गए हैं, मिटाया है, छेड़खानी करी गई है, सबूत मिटाया गया है, सब कुछ आशीष लिखा है कि कल को रोड को मिटा देंगे, आशीष को ही और खड़ा कर देंगे, ये
ऐसे नहीं होने देंगे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उसके ऊपर भी पर्चा डालेंगे जिसने ये किया है, शरारत किया, जिसने ये शरारत किया है ना, उसको मिटाया है कि शीश रैक कला रहने दिया, रोड मिटा दिया है, उसके भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उनके दो लेके गए हैं उनपे भी कार्रवाई चाहिए। पहले तस्वीर एक बार गाड़ी की दिखा दूं, आप गाड़ी की तस्वीर देखिए और बताइए कि ये गाड़ी की तस्वीर इस समय है और आप देख सकते हैं इस गाड़ी को देखकर आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी किससे टकराई होगी। मैं आपको अभी वो तस्वीर भी जरूर दिखाऊंगा गाड़ी की, कुछ देर के अंदर हम आपको दोबारा से वो दिखाएंगे। वो गाड़ी पहले भी आईबीएन 24 ने सुबह वो गाड़ी दिखाई थी, लोगों में आक्रोश है और लगभग 150 की रफ्तार, जो कि बता दें तो अगर अमूमन ऐसा भी हादसे हमने देखे हैं कि व्यक्ति टकराता है या उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इस तरह के पार्ट्स नहीं होते हैं और वो पार्ट्स हुए तो इतनी तेज रफ्तार पर हुई। गाड़ी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अभी दोबारा से हम आपको गाड़ी जरूर दिखाएंगे। और गाड़ी के अंदर बता रहे हैं चिप्स के पैकेट जो थे, कोल्ड ड्रिंक था, नमकीन थे, तो ये सब चीजें थी। तो लोग यहाँ पर जरूर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव का ये मामला जरूर है। दो लोग वहां मौके से भाग गए थे, पहले उन्होंने गाड़ी समेत भागने का प्रयास किया, जब एयरबैग्स खुलने के बाद जब उन्हें जगह नहीं मिली, विंडशील्ड के आगे नहीं दिखा क्योंकि गाड़ी आगे से काफी डैमेज हो गई थी, तो गाड़ी को छोड़कर मौके से ही यहां से भाग गए। जिसके बाद लोग यहां आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई यहां की नहीं गई है, मजबूरन उन लोगों को सड़क पर जाम लगाना पड़ा है। और आप पीछे देख सकते हैं जाम लगा भी हुआ है, लोगों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है ऐसे ही सड़क जाम बना रहेगा। और लोगों ने ये कहा है कि ये इस तरह से तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने से पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। जो महिला बता दें तो करनाल के सिग्नस अस्पताल के अंदर, और जो उनकी जो बेटी है वो भी करनाल के सिग्नस अस्पताल में दाखिल है, सर्जरी उनकी हुई है। उनकी एक लात को ढूंढने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग गया था, तब जाकर उनकी एक लात का हिस्सा जो है वो मिला था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो किस तरीके से गाड़ी के अंदर भी, मैं आपको दिखा दूं तो मेरे पास वो आपको एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक तस्वीर है ये देख लीजिए, ये यहाँ पर आपको जरूर दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आशीष लिखा हुआ है और आशीष के साथ यहाँ पर कुछ घिसा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो घिसा हुआ दिख रहा है ये साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इसे मिटाया गया है, यहाँ पर पहले रोड लिखा हुआ था, तो उस चीज को लेकर जो है यहाँ पर लोगों में आक्रोश है। यहाँ सबूत को भी जो है कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास यहाँ साथ साथ किया गया, लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि कार्रवाई जरूर बनती है और बननी चाहिए क्योंकि पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। और इतना भयंकर हादसा, अमूमन बता दे तो हादसों में गैर इरादतन हत्या बोला जाता है, लेकिन इस मामले को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या ये गैर इरादतन हत्या है? कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है 150 की रफ्तार पर गाड़ी चलाना? आप समझ सकते हैं पूरा परिवार खत्म हो चुका है और लोगों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है लोग यहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे। और लोगों का कहना है, पीछे की ओर मैं बता दूं तो तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना बताऊं तो एक बॉक्स है, उसमें जो साहब सिंह है उनका जो पार्थिव शरीर वो रखा गया है और कई भागों में, कई टुकड़े में लोगों ने बोला कोटली में ले जाने वाला हाल था जब उनकी बॉडी, क्योंकि छत से पहले शीशे से टकराई, उसके बाद छत से टकराई, उसके बाद बॉडी के दो टुकड़े हुए, लेकिन साथ साथ काफी सारे टुकड़े हो गए क्योंकि रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। और उसके बाद जाकर जो है लोगों ने अभी यहाँ जाम लगाया हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि फिलहाल जो वो महिला है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए अगर महिला की एक टांग अलग हो गई है क्या उनका आने वाला जीवन होगा। और यहाँ पर हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि वो जरूर बच जाए, लेकिन यहाँ पर लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो बेटी है उसकी दोनों टांगों में जबरदस्त फ्रैक्चर हो चुके हैं, अंदरूनी चोटें और न जाने कितने फ्रैक्चर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर वो दो लोग कहाँ हैं जो दो लोग उस ऑडी कार को चला रहे थे, अभी तक उनके बारे में लोगों का कहना है कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी फिलहाल यहाँ पर और भी हम पुलिस से भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा था जिसने ऑडी गाड़ी चलाई वो अमृतधारा के अंदर, अमृतधारा अस्पताल है वहां पर एडमिट किया गया था, लेकिन लोगों का कहना था ज्यादा इंजर्ड नहीं था तो मौके से खुद ही भाग गया था। तो यहाँ पर इतना जरूर है कि रफ्तार ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, लोग भी यहाँ, महिलाएं भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा। इधर गाड़ी लगती तो बोलता है इनकी गलती थी, गाड़ी चमके ने मारी है, गाड़ी हाँ पीछे से मारी है, इधर इधर आई साइड इस कोठी के पास और ग्रीस के लेके आया उसको, 200 की स्पीड पे गाड़ी थी, गड्डी घुमा के ले, थोड़ा बात होती है, गरीब की कोई सुनता ही नहीं है। कार्रवाई को लेकर क्या हुआ है अभी? असि ध्यान ना साडी सुनाई होनी चाहिए, बंदे फार के इथे ले आओ। वो दो लोग कहां है क्या बता रहे हैं? क्या पता कहां है, ये तो बोलते हैं उनके घर ताले लगे हुए हैं, करते करते हैं, हम लेने गए थे उनको, उनके घर ताले लगे हैं, ओए हमारा तो सारा घर ही उजड़ गया, उनका तो ताला फिर खुल जाएगा, मारा कब खुलेगा?
गाड़ी के ऊपर से आशीष रोड लिखा था, अब आशीष लिखा हुआ है। अब उखाड़ दिया, जाके देखो, मौका देखो, गाड़ी देखो, मौके में खड़ी है गाड़ी, गाड़ी तो ऐसे आज जैसे डंगर में मार दी। फिर शराब की बोतल बेच में कट के ले गए, शराब निकाल लिया, खारा निकाल लिया, फिर बोलते उनका लाइसेंस नहीं है, ड्राइव का मामला है। तो फिर अपनी साइड आ रहे हैं, अपनी साइड आ रहे हैं। आज तो बंदे वो पकड़े नहीं जाएंगे, हम कहते हैं चलो जो पुलिस वाले करेंगे कर देंगे, बंदे आज नहीं पकड़े जाएंगे, कल किसी और को मारेगा, फिर कहाँ जाएंगे? ये पुल खाकी वर्दी पहन के 24 घंटे होने को हो गए हैं, अभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 24 घंटे होने को हो गए हैं, कब होगी कार्रवाई? अब पूछा तो ये रात के 9:30 बजे का है, अभी तक लोग इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और वो भी कई टुकड़ों के अंदर जो है उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो वहां से बरामद किए, बैग में डाले और फिर जो है उन्हें आगे भेजा गया मर्चरी हाउस में। और जो महिला है उनकी जो बेटी है उनकी हालत भी फिलहाल बिल्कुल गंभीर बनी हुई है और उम्मीद करते हैं कम से कम वो जरूर बच जाएं, लेकिन यहाँ पर बात है कार्रवाई की, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय।